तो राधे राधे सीताराम, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। झारखंड टू ऑल इंडिया साइकिल यात्रा में स्वागत है। तो अभी मैं हूँ पचमढ़ी, और पिछले 4 दिन से पचमढ़ी में था, और ये रहा मेरा साइकिल। और आज मैं जा रहा हूँ तो सब टेंट लगा कर, और मेरा सामान इधर रखा हुआ है और भैया जी के होटल में। तभी मैं खाना ऑर्डर कर दिया हूँ, खाना आता है उसके बाद खाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं आज। तो इधर मैं रेडी हो चुका हूँ और इधर मेरा साइकिल भी रेडी। तो सिर्फ अंकल जी से आदेश लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो अंकल जी आज्ञा दीजिए, जा रहे हैं। जा रहे हो? हाँ ठीक है। अरे नहीं की खाना ना खाली है? हाँ खाली है। खाली है? खाली। और जिन जिन भाई के साथ मैंने 2-3 दिन बात किया, आप सभी से मिलवाने वाला हूँ। भाई जी हर महादेव। हरे हर महादेव मित्र लोग। तो सभी मित्र लोग, लगभग मैंने 3 दिन इन्हीं के साथ बात किया और काफ़ी अच्छा लगा। भाई जी कहाँ से आप? आपका नाम? पटेल। पटेल आपका भाई जी? जी। आपका सर? फ्रॉम पेपरिया। वो तो दुकान के मालिक जी हैं। ठीक है निकलते हैं। ठीक है अभी मैं जा रहा था अंकल जी, देखिए क्या क्या लेके आए मेरे लिए, कितना प्यार मिला, मैं भुला नहीं पाऊंगा इस प्यार को। अगर आप लोग आते हैं जटाशंकर पचमढ़ी आते हैं तो अंकल जी के ढाबा जी हैं, आप लोग प्लीज़ हाँ ये खाइए पिए, काफ़ी अच्छा प्यार मिला भी और काफ़ी अच्छा बनाते भी हैं। तो अभी मैं रुका हूँ एक स्थान, और ये छोटा सा प्याव, ये छोटा सा पार्क के जैसा बनाया गया है, और आगे कुछ व्यू इस तरह है, और काफ़ी प्यार मिला पचमढ़ी में, और उन सभी भाइयों से एक फैमिली के जैसा बन गया था ये 3 दिन में, 4 दिन में, और मिस करूंगा उन सभी भाइयों को। तो आज मैं जा रहा हूँ, आज से मैं छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होऊंगा। यहाँ से छत्तीसगढ़ 565 किलोमीटर है, देखते हैं कितना दिन में कवर कर लेते हैं। ऐसे ही 5 दिन लग जाएगा छत्तीसगढ़ जाने में, 5 से 6 दिन, अगर कम भी लग सकता है, अगर रोड अच्छा रहा तो 4 दिन लगेगा छत्तीसगढ़ पहुंचने में। तो मीशो तो चलते हैं अब अपनी यात्रा की ओर। इधर मेरा साइकिल, ये रहा मेरा रेंच, और इसे बनाना पड़ता है। तो अभी मैं जा रहा था और मेरा साइकिल ख़राब हो चुका है, और ये था डिस्प्ले में, यहाँ टच कर रहा था इसमें, तभी ये रेंच है मेरा, इसी से मैं ठीक कर रहा था। तो ठीक करता हूँ, हमें सारा सामान ही खोलना पड़ा, फिर से दोबारा करना पड़ा, तो फिर बनाता हूँ, उसके बाद फिर निकलता हूँ यहाँ से। आज फर्स्ट टाइम हेलमेट में कैमरा लगाया हूँ, और मेरा आवाज़ कैसा जा रहा होगा पता नहीं। पचमढ़ी शहर को कर दिया बाय बाय, और अभी मैं हूँ पचमढ़ी के उस हसीन वादियों में, बिहार जंगल में, जहाँ बाघ, शेर, तेंदुआ, सभी जानवर रहते हैं, और कुछ इस तरह व्यू है। और आज फर्स्ट टाइम मैं गोप्रो लगाया हूँ हेलमेट में, और आज फर्स्ट टाइम जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से आज मैं घर, मतलब उसी रास्ते से वापस मैं जा रहा हूँ। लगभग मैं 40 किलोमीटर आपस में घूर रहा हूँ, क्योंकि पचमढ़ी शहर से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए, तो मुझे पीछे ही मुड़ना पड़ा। और जब बस आती है तो वहाँ, यहाँ पर 1 लेन है।
तो यहाँ दिक्कत यही होती है, जब एक गाड़ी आ जाती है बस, तो फिर दो गाड़ी पास करना दिक्कत हो जाती है। यहाँ फॉरवर्ड लेन है, तो ये छोटा सा लेक यहाँ पड़ता है और काफ़ी खूबसूरत है। और पूरा पचमढ़ी शहर टूरिस्ट पर ही चलता है, तो मैं आसपास इसलिए देख रहा हूँ कि कहीं एक बार बाघ शेर ना दिख जाए। अगर दिख गया, अगर गलती से बाघ दिख गया तो मेरी फट जाएगी। काफ़ी ख़तरनाक रोड है, मज़ा आ गया, मज़ा राइडिंग करने में मज़ा आ गया। मिस करूँगा पचमढ़ी को, और एडवेंचर तो करेंगे लद्दाख में। लद्दाख में मज़ा आएगा साइकिल करने में, और ही जगह है, बहुत जगह है एडवेंचर करने के लिए। जो कल गया था चौड़ागढ़, और एक आंटी मिली थी चौड़ागढ़ महादेव मंदिर, वहाँ हमको 50 रुपये दी थी, बोली थी कि लो मेरे तरफ से मैगी खा लेना। और काफ़ी प्यार मिला चौड़ागढ़ में भी, और वहाँ मैगी तो मिल जाएगा, और खाने के लिए सिर्फ मैगी और नींबू पानी मिलेगा। इस जंगल में शेर भालू चीता मिले या ना मिले, लेकिन बंदर बहुत मिलेंगे, हर जगह बंदर ही बंदर। अरे मेरा किलोमीटर नीचे हो जाता है हर बार, और इसके नीचे ही शेर भालू रहते हैं, जस्ट नीचे ही। ऊपर रात में आते, दिन में टेंट प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गाड़ी चलता है, गाड़ी की आवाज़ से सामने नहीं आते हैं रोड में, रात में आ जाते हैं। रात में कई बार देखा भी गया है, इसलिए रात को साइकिल से नहीं जा सकते हैं, अलाउ नहीं है ना मोटरसाइकिल से। अगर फोर व्हीलर है तो आप जा सकते हैं। और यहाँ पर पुलिस कैंप है, और छोटा सा गांव भी है, यहाँ छोटा सा गांव भी है, एक पुलिस कैंप है। लेकिन इस गांव को क्या नाम है, पचमढ़ी के नाम से जाना जाता है, क्या नाम है नाम भी नहीं लिखा हुआ कहीं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। क्या व्यू है, बस अब आ ही चुके हैं, गांव दिख रहा है यहां से, लगभग यहां से 1500 किलोमीटर आ रहा है, उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र खत्म। इन हसीन वादियों को लास्ट बार देख लेने दो, न जाने कितनों दिनों के बाद आऊँगा, कितने महीनों के बाद आऊँगा, कितने सालों के बाद आऊँगा, और मैं जब भी आऊँगा तो पूरे फैमिली के साथ आऊँगा। मिस करूँगा पचमढ़ी के इन हसीन वादियों, लव यू। और यहाँ एक मेरा बॉटल खुल गया, इसे लपड़ में यहाँ इस तरह बांधना है, उसके बाद यहाँ से निकलना है आगे। एक व्यू पॉइंट है, वहाँ मैं रुकता हूँ, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, रॉन्ग साइड से चलता हूँ ना चाह। तो अभी मैं एक व्यू पॉइंट पर रुका हूँ, और यहाँ पर शायद जाली लगा दिया गया है गवर्नमेंट के तरफ से, कि क्योंकि यहाँ नीचे न जाए ना और कोई गिर न जाए। तो मैं नीचे जाने वाला नहीं हूँ, आप सभी को यहीं से दिखा देता हूँ। और नीचे पूरा पानी बह रहा है। तो यहाँ पर हमारे अलावा और आपके अलावा और ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं है। इसे अभी मैं पचमढ़ी से आ चुका हूँ, और आज मैं मटकुली में नहीं रुकूँगा, क्योंकि 3 बज चुका है और अभी मेरे पास 2 घंटा है टाइम। तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर और मैं आगे चले जाऊँ। तो अंकल जी दिए थे बिस्कुट,
वही मैं खा लेता हूँ। दो पैकेट बिस्किट दिए थे और मिक्सर भी दिए थे 3 पैकेट। तो थैंक यू अंकल जी आपको भी, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। तो खाता हूँ बिस्कुट, उसके बाद मैं खाते खाते चलाऊँगा भी और खा भी लूँगा। पिछले 5 दिन से पचमढ़ी में रह रहकर पक गया था, अब लग रहा है कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। पचमढ़ी में तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर में हूँ। ट्रैवलिंग पता ही नहीं चल रहा था कि मैं ट्रैवलिंग पर निकला हूँ। इधर आसपास गांव है और सभी खेतीबाड़ी कर रहे हैं पूरा। तो ये है रसोई ढाबा, जो अंकल जी बोले थे कि अगर लेट हो जाएगा तो रसोई ढाबा चल जाना, वहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये झिरपा कहाँ है? झिरपा जैन सर, झारखंड से जी सर। पड़ी से मटकुली मैं 3 बजे पहुँच चुका था और मेरे पास ट्रैवलिंग करने के लिए 3 घंटा था, तो मैं सोचा क्यों ना 20 से 30 किलोमीटर फिर ट्रैवलिंग कर लिया जाए, क्योंकि अगले दिन के लिए आसान हो जाए। तो वही सोचकर मैं मैप मोबाइल में देख रहा था कि कहाँ जाना है, कहाँ स्टे करना है रात को। तभी एक अंकल जी आए महाराष्ट्र से और मुझे 500 रुपये देकर चले गए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू अंकल जी। और आपका भाई को हर तरफ बहुत प्यार मिल रहा है और वो 500 रुपये मेरा जेब में रखा हुआ है, 500 का नोट दिए थे और काफ़ी पहले बात की है, बोले कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो बोले झारखंड से है, बोले 250 राज घूमना है। तो पता नहीं जाने लगे उस समय बोले कि लो चाय पी लेना, तब सोचे कि होगा 50-100 रुपया लेकिन 500 रुपये था, तो थैंक यू। तो अभी मैं हूँ सीता डोंगरी में, हाँ, और भाई जी मिले हैं। तो भाई जी कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया का। कहाँ से आप लोग? यहीं से प्रॉपर? हाँ, सीता डोंगरी से। तो अभी मैं जा रहा था और रास्ते में बोले भाई जी कि जंगल में मत जा, रात में दिक्कत हो जाएगा शेर बाघ के। तो बोले कि यहाँ मंदिर है तो मंदिर में ही रुक जाओ। तो आपका नाम क्या हुआ भाई जी? प्रकाश यादव। प्रकाश, आपका? राज यादव। आपका? ओमकार यादव। क्या? ओमकार यादव। अच्छा सर, आपका? श्रीराम भाई के। अच्छा, थैंक यू, मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।